गुड मॉर्निंग लवली किड्स, वेलकम टू योर वर्चुअल क्लास ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज 10th चैप्टर एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड 13th चैप्टर एडवर्ब्स ऑफ योर ग्रामर बुक। स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू अबाउट एडजेक्टिव्स, मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था बच्चे। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग इज नोन एज एडजेक्टिव्स। बच्चे, एडजेक्टिव्स किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को, किसी के भी बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी प्लेस या किसी भी थिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है बच्चे, कोई भी चीज कैसी है, छोटी है, बड़ी है, बिग,
Now, students, let's do an activity to understand the concept more clearly. See, बच्चे, ये देखिए, spoons countable noun है, हम इन्हें count कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हैं, तब हम क्या बोलेंगे? There are many spoons on the table. अब यहाँ पर देखिए, बहुत कम हैं spoons, तो हम क्या बोलेंगे? There are a few spoons on the table. अब यहाँ पर आइए बच्चे, ये देखिए, sugar uncountable noun है, बहुत ज़्यादा है बाउल में, तब हम क्या बोलेंगे? There is so much sugar in the bowl. अब यहाँ पर देखिए, sugar थोड़ी सी है, बिल्कुल कम बाउल में, तब हम क्या बोलेंगे? There is a little sugar in the bowl. Now clear बच्चे, we use many or a few words for countable nouns and much or a little word for uncountable nouns. Clear? Now let's revise adverbs. Students, I told you about adverbs. मैंने आपको adverbs के बारे में बताया था. Adverbs add something to the meaning of verbs. Adverbs describe the verbs. Adverbs किसको describe करते हैं बच्चे? Verbs को, action को. ठीक है? They tell us how something is done. वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी action, कोई भी काम कैसे हुआ या फिर कैसे होता है. वो किसका answer देते हैं बच्चे? How का. ठीक है? Now for example. Boy reads loudly. बच्चा कैसे पढ़ता है बच्चे? Boy कैसे पढ़ता है? Loudly. ठीक है? अब यहाँ पर action क्या है बच्चे? Reads, पढ़ना. Reads काम है ना? Action है. कैसे पढ़ता है? Loudly. तो loudly word क्या है बच्चे? Adverb. क्योंकि ये how का answer दे रहा है कि action कैसे होता है. ठीक है बच्चे? अब देखिए, the old man crossed the road carefully. Old man ने road कैसे cross की बच्चे? Carefully, ध्यान से. अब यहाँ पर action क्या है? Crossed. ठीक है? तो कैसे cross की road उसने? Carefully. तो carefully word क्या है बच्चे यहाँ पर? Adverb. क्योंकि वो how का answer दे रहा है कि action कैसे हुआ. ठीक है बच्चे? Clear? Now students, how to make adverbs? कैसे adverbs बनाते हैं बच्चे? Very easy. When we add ly to the words, they become adverbs. जब हम ly add कर देते हैं बच्चे word के last में, तब वो क्या बन जाता है? Adverb. Remember बच्चे, word के last में, end में. ठीक है बच्चे? Now see swift. हमारे पास word क्या है बच्चे? और हमें इसे एडवर्ब बनाना है, तब हम क्या ऐड करेंगे बच्चे? एल वाई. सी एल वाई एस डब्ल्यू आई एफ टी एल वाई स्विफ्टली. अब ये वर्ड क्या हो गया बच्चे? एडवर्ब. ठीक है? नाउ सी ग्रेसफुल. जी आर ए सी ई एफ यू एल. अरे यहां तो लास्ट में एंड में एल ऑलरेडी है, तब हम क्या करेंगे बच्चे? एक और ऐड करेंगे एल. ठीक है? एल और क्या ऐड करेंगे? वाई. अब यहां पर डबल एल हो गया, ग्रेसफुली. जी आर ए सी ई एफ यू डबल एल वाई, ग्रेसफुली. ठीक है बच्चे? जब लास्ट में एल होता है तो हम एक और एल ऐड करते हैं और वाई ऐड करते हैं. क्लियर बच्चे? बच्चे अगर हमने एडवर्ब से सेंटेंसेस बनाने हैं, तब हम कैसे बनाएंगे बच्चे? बिल्कुल स्मॉल सेंटेंसेस बनाएंगे. ठीक है बच्चे? नाउ सी फॉर एग्जांपल, हमारे पास वर्ड क्या है? नीटली. तब हम नीटली से सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई डिड माय होमवर्क नीटली. मैंने अपना काम कैसे किया? नीटली. आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई डू माय होमवर्क नीटली. मैं अपना काम नीटली करता हूं. क्लियर?
Students, this is revision worksheet. Question number 1. Choose and write suitable adjectives for the given nouns. बच्चे nouns दिए हुए हैं. आगे आपको options में adjectives दिए हुए हैं. आपने suitable adjective choose करना है noun के लिए और notebook में लिखना है. Question number 2. Fill in the blanks with suitable adjectives. नीचे blanks दिए हुए हैं. Brackets में adjectives हैं. आपने suitable adjective को choose करना है और लिखना है. Clear? Now, question number 3. Change the given words into adverbs. बच्चे, words दिए हुए हैं, आपने adverbs बनाने. Fourth one, fill in the blanks with suitable adverbs. नीचे blanks हैं बच्चे, bracket में adverbs दिए हुए हैं, आपने suitable adverb को choose करना है और blank को fill करना है. Fifth one, make sentences using the given words. बच्चे, नीचे two adverbs दिए हुए हैं, आपने sentences बनाने हैं. Clear बच्चे? This is your advisory work. Till then, take care of yourself. Goodbye.